गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान पार्ट 2 भोजन के घटक पार्ट 3 पढ़ेंगे। पाठ में हमने अब तक पढ़ा कि खाद्य पदार्थ जिनमें कई प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उनका हमारे आहार में होना जरूरी है, जो हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है संतुलित आहार। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। अर्थात संतुलित आहार ही हमारे शरीर को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकता है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो बाल्यावस्था में जैसे बालक हैं या अधिक श्रम करने वाले जो मनुष्य हैं उनको अधिक पोषक तत्व युक्त भोजन की जरूरत होती है ताकि उनका शारीरिक वृद्धि और विकास हो सके। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज जिनके उदाहरण मूंग और चना हमने पहले देखे थे, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट न हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजो, जो एक विद्यार्थी का नाम है, उसने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अत्यधिक वसायुक्त भोजन हमारे लिए हानिकारक होता है और अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। विद्यार्थियों, आजकल आप लोगों ने देखा होगा वर्तमान में प्रचलित जो भोजन है जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, ये सभी विद्यार्थियों को बहुत पसंद है। आप लोगों ने नोट किया होगा ऐसा भोजन, इनमें अत्यधिक वसा की मात्रा होती है और पोषक तत्वों की मात्रा नगण्य या अत्यधिक कम होती है। इस प्रकार का जो भोजन है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, अतः इस प्रकार का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है अभावजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि।
यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विद्यार्थियों, आप लोगों ने कभी नोट किया होगा कि राह में जो मांगने वाले भिखारी हैं, उनके बच्चे जिनको वो पोषक तत्वयुक्त आहार नहीं प्रदान कर सकते, उनकी शरीर की काया इसी प्रकार से होती है, वो अत्यधिक दुबले पतले होते हैं क्योंकि उन्हें पोषक तत्वयुक्त आहार नहीं मिल पाता। उनके आहार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की अत्यंत कमी के कारण उनका चेहरा दुबला पतला और शरीर कांतिहीन दिखाई देता है। इस प्रकार से पोषक तत्व युक्त आहार न करने से व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग एवं विकृतियां हो सकती है, जिनका विवरण हम आगे सारणी में देखेंगे। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हमारा अगला अध्ययन बिंदु है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। इसके सारणी हम अंकित करेंगे यहाँ पर, जिसमें विटामिन और खनिज लवणों का नाम, उसके द्वारा होने वाले रोग या विकार का नाम और उसके लक्षण यहाँ पर चिन्हित हैं। विटामिन ए, जिसकी वजह से अभावजन्य रोग होता है क्षीणता, जिसको दृष्टिहीनता भी कहते हैं। इसके लक्षण है कमजोर दृष्टि, अंधेरे या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, जिसके कारण बेरी बेरी नामक रोग होता है, इसके लक्षण है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी होना। अगला विटामिन है विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, इसके लक्षण है मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। अगला विटामिन है विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसमें अस्थियां मुलायम होती है और मुड़ जाती है। विटामिन डी अधिकतम बच्चों को प्रभावित करता है। यदि बच्चों में विटामिन डी की अत्यंत कमी हो जाए तो उनको रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें पाँव की हड्डियां घुटने से अंदर की ओर मुड़ जाती है, जिसे रिकेट्स रोग कहा जाता है, जिससे वो चलने में असमर्थ होते हैं। अगला खनिज लवण का उदाहरण है कैल्शियम, जिसका अभावजन्य रोग है अस्थियां और दंतशय। इसके लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंतशय। कैल्शियम ऐसा खनिज लवण है जो हमारे शरीर की मजबूती के लिए आवश्यक है। यदि शरीर में इसकी अत्यंत कमी हो जाए तो क्षणिक चोट से ही हमारी अस्थियां टूट फूट सकती है। अतः इसकी पूर्ति के लिए हमें नियमित सुबह और शाम दूध का सेवन करना चाहिए। अगला खनिज लवण है आयोडीन, इसकी कमी से गेंगा या गोइटर रोग होता है। इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता का उत्पन्न होना। अगला खनिज लवण है लोह, इसकी कमी से अरक्तता नामक रोग होता है, जिसके लक्षण है कमजोरी आना। इस प्रकार से विटामिन और खनिज लवण यदि हमारे आहार में उपस्थित नहीं हो तो विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बन सकते हैं, जो शरीर को दुर्बल बनाते हैं और किसी भी कार्य करने में असमर्थ हम प्रतीत होते हैं। अतः हमें उचित पोषक तत्व युक्त आहार लेना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और सेहतमंद रहे। आज के अध्ययन बिंदु पर आधारित गृह कार्य प्रश्न इस प्रकार है। पहला, संतुलित आहार किसे कहते हैं? दूसरा, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, इसका कारण बताइए। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोगों की सारणी बनाइए। विद्यार्थियों से अनुरोध है, इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में लिखें और उन्हें याद करें। धन्यवाद।